हर सैटरडे हम हिल्स में जाके काम करना पड़ते थे। तो उसी टाइम में हम हिल से लकड़ी लेके और नदी में जाके पानी ले उठा के लेके आना, वो सब करते थे। तो वो लोग दो तीन बार जाके लेके आते थे, तो मैं एक बार में जाके लेके आते थे। वेट लिफ्टिंग का होल था, उसमें पूरा एक दो घंटा में देखते रहे, सब लोग इतना चिल्ला चिल्ला के ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो और भी मुझे इंटरेस्ट हो गई वेट लिफ्टिंग जाने का। बहुत कम खाना मिलते थे, हफ्ते में दो तीन बार ही मुझे खाते थे मिलते थे। मेरा घर से 24 किलोमीटर है और ऊपर से मैं अकेली लड़की, रोज़ 4:30-5 बजे मुझे जाना पड़ते थे। तो हमारे उसी में ट्रक जाते थे, तो मैं बोला मम्मी ट्रक में जाती हूँ। मम्मी थोड़ी देर ऐसे रुक के बोला था कि आप ट्रक में कैसे जाएगी, अकेली लड़की है आप और ऊपर से बच्चे है। तो मुझे भी सोचा हाँ वो तो है, पर मुझे टाइम से पहुंचना है उधर। मैंने बाहर के मोमेंट बहुत फर्स्ट क्लास है, स्टाइल बढ़ानी है तो इस चीज पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। बॉडी में तो असर तो होते हैं क्योंकि लूज होते हैं बॉडी में, थकान वो सब पेन ज़्यादा होते हैं। फिर मुझे भी टेंशन हो रही थी ज़्यादा, क्या होने वाला है कल, क्या होगी, ये क्यों आया है ये, ऐसा बोले थे। पर फिर मैं तुरंत मैंने ट्विस्ट किया कि हाँ ये हर मंथ हमारे साथ होते रहते हैं। मैं जब सेकेंड लिफ्ट करने गई थी तो उसी टाइम मेडल तो हो गया था मेरा, पर पता चल गई थी। पर जब मेडल लेने गए थे, मैंने पोडियम में गए थे ना खड़े थे, तो मेडल में मैं एक दो मिनट देखी थी ऐसा पकड़ के, ये बहुत ही इमोशनल हैप्पी दोनों है, पूरा सब कुछ है। जब मैं स्टेयर्स में जाते थे ना लिफ्ट करने, तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था मुझे, तो इसकी वजह से मुझे लिफ्ट फेल किया मैंने। ज़्यादा नर्वस में चले गए थे, तो इसलिए मेरा मेडल भी मिस हुआ। उसी टाइम दुख होता है, पूरा प्रेशर डिप्रेशन में चले जाते हैं। मम्मी को मैंने भी बोला था, मम्मी मुझे वेट लिफ्टिंग छोड़ना चाहती हूँ। लड़की बहुत कुछ कर सकती है, कोई कमी नहीं है लड़कों से। ऐसे बोलती है ना, वेट लिफ्टिंग में लड़की नहीं कर सकती, बॉडी खराब होगी, बहुत सुना है मैंने। ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही रहेगी, मैं भी ऐसे ही हूँ।